पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को काला दिवस मनाया। भाजपा कार्यालय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि सूर्य प्रकाश पाल उपस्थित रहे। उन्होंने मंच पर बोलते हुए कहा कि एक परिवार के लालच एवं अहंकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। रातों रात पूरा देश जेल में तब्दील कर दिया गया, मीडिया को दबोच लिया गया, देश के महापुरुषों और राष्ट्रभक्तों को सलाखों के पीछे भेज दिया, लोकतंत्र की निशंस हत्या कर दी गई। कहा कि प्रेस, अदालतें, भाषण सब पर पाबंदी लगा दी गई, गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। उन्होंने कहा कि आपातकाल के संघर्ष और यातनाओं को सहन करने वालों के साथ देश हमेशा खड़ा है। करोड़ों देशवासियों पर अत्याचार करने वाली कांग्रेस को भी देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। मेरी आयु मुश्किल से उस समय 10 साल की नहीं होगी, लेकिन वास्तव में तो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का माना जाता है। उस लोकतंत्र पर ऐसा प्रहार कहा गया था, इस देश के अंदर आपातकाल 3 बार लगाई गई है। एक बार 1962 में आपातकाल लगाई गई थी, दूसरी बार 1971 में आपातकाल हमारे देश के अंदर लगाई गई थी, और तीसरी बार आपातकाल आज के दिन 1975 में लगाई गई। हमारे देश के संविधान में 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद है 356। 352 अनुच्छेद के अंदर ये प्रावधान है, अगर किसी देश के ऊपर कोई बाह्य शक्ति या पड़ोसी देश आक्रमण करता है, उस समय हम इस 352 का प्रयोग करके आपातकाल लागू देश के अंदर कर सकते हैं, या फिर आंतरिक हमारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाए, हमारे देश की जनता विद्रोह कर दे, उसके उस परिस्थिति में भी हम देश के अंदर इस आर्टिकल के अंतर्गत देश के अंदर आपातकाल लगा सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।